और बता तेरे कॉलेज में क्या क्या होता था? यार मेरे कॉलेज के दिन रहते अच्छे भी थे और बुरे भी थे। हाँ क्योंकि हम दोनों तो साथ में ही पढ़ाई करते थे ना, और मुझे भी पता है मेरे साइंस वाले सर हैं मुझे पढ़ाते कम थे और मुझे देखते ज्यादा बुलाए यार। हाँ ऑफिस में बुलाए कि बेटा तू इधर आ जा। मुझे पता मैं थोड़ा डर गई, मैंने बोली डर के मारे में भाग गई तो वो चिल्लाने लगी बेटा इधर आ बेटा इधर। अरे यार तू आएगी जब तक कि तू मेरी बात नहीं समझेगी मैं तुझे कैसा सिखाऊं। और मतलब मुझे कभी कभी सर ऐसे पीठ में हाथ डाल देते थे तो ये करते थे, मुझे तो बहुत डर लगा। मैं सोची थी एक टाइम तो सोची मैं घर वालों को बताऊँ, फिर मैंने सोची पहले देखो तो सही सर चाहते क्या है, करते क्या है, करना क्या चाहते। फिर एक दिन मैं गई उनके पास तो सर ने मेरे बहुत मुझे ऐसे तो करने लगे। अचानक से मेरे को एक फील जाग गया पता है मुझे, और फील जागा ना तो वो ऐसे करीब लाके ना ऐसे किस करने लग गए और इतनी जोर से करे ना मेरी होंठ काटने लग गए, काटे और खून निकल गया। मैंने बोली सर ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे जोर से लग गया। बोले कुछ नहीं, जब दर्द होगा ना तो मजा ही कुछ और आएगा। मैंने बोली सर दर्द होने के बाद कैसे मजा आता है, तो बोले नहीं तू देख। तो बोले चलो एक काम करो, तो इधर आगे दरवाजा बंद कर दिए, लाइट एकदम डिम लाइट चालू कर दिए। यार मैं तो तेरे साथ पढ़ाई करती थी ना, तू कभी से गुलगुले उड़ा दी मुझे पता भी नहीं चला। अरे मुझे बताना कि मेरे सर मेरे पढ़ेंगे, तूने तो मुझे आज तक बताया ही नहीं कि सर मेरे पीछे इतने पागल थे। एक बार भी तो मुझे बता दी होती ना। अरे मैं खुद डर गई थी यार, मुझे कैसे बताती। वो अचानक में हो गया, मेरे कपड़े निकालने के बाद सुन तो सही तुझे क्या बताऊँ मैं। और तुझे बता मेरे ऐसे पैर पे गए सहला गए ये करके, और ये पैर पे तक तो ना लंबाई दे दी है सर ने। मैं डर गई, मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। तो मैंने बोली सर ऐसा मत करो। तो सर ने बोली अरे कुछ नहीं यार, कपड़ों से ढक जाएगा। यार वही कॉलेज में जब मैं तेरे साथ ही तो पढ़ती थी, तू तो इतना कुछ कर ली और मुझे तो पता भी नहीं चला। लेकिन मैं भी किसी को वहाँ पे पसंद करने लगी थी क्योंकि वो लड़का बहुत ही अच्छा था। और हमारे अरे यार मेरे बगल में जो बैठता था ना, तू देखती थी ना हमेशा, वही लड़का था और मैं उसको बहुत ज्यादा लाइक करती थी। पर मैं उसके हमेशा करीब जाने की कोशिश तो की, लेकिन वो लड़का बहुत ही अजीब सा था। और अब तो खैर की मेरी शादी हो गई और अब वो पता नहीं कहाँ होगा। बहुत जाने की उसकी करीब थी, सोची मैं उससे शादी कर लूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा पसंद आ गया था ना मुझे। पर उसका बिहेवियर ऐसा लगा जैसे वो किसी और को पसंद करता है, तो जबरदस्ती भी तो करना सही नहीं है ना यार। हाँ वो बात तो सही है, इसलिए तूने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अब ढूंढ के भी क्या फायदा, अब तो खैर मेरी शादी हो गई तो अब ढूंढने से भी कोई फायदा है नहीं ना। तू तो एंजॉय कर ली ना फूल अपने सर के साथ और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे साथ मुझे खुद नहीं पता था कि वो मेरे पीछे कितने दिनों से चक्कर। वो जब मुझे पढ़ाने आते थे ना ऐसे चौक हिला देते थे, तो वो इधर हाथ दबा ऐसे दबा तो मुझे थोड़ा कभी कभी मैं सोचती थी सर का नाम बोल दूं या कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो फीलिंग आने लगी। हाय देख ना इतना कौवा टरारा लगता है, वो तेरा सर आने वाला है क्या, ये भी याद कर रहा है तेरी तरह शायद। लेकिन सर एक गलत काम करते हैं यार, वो किसी के सामने नहीं आते, वो अकेले में ही सब कुछ करते हैं। ये तो गलत बात है ना, कभी कभी सबके सामने भी लेके मेरे सामने भी लेके तू तो इतने छर्रे उड़ा ली कॉलेज में और मुझे पता भी नहीं चला। और तू कभी बताई नहीं यार, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बताना तो चाहिए था ना मुझे। बताता मैं क्या मेरे सब ये सब बोलते लेते मुझे एकदम ये लगता था अरे यार कुछ तो कर लो। तो मैंने एक दिन सर मुझे लेके गए थे ना बंदर, तो सर एम सिर्फ मेरा मूड हुआ सर चलो ना आज तो चलो, आज बोले जाएंगे अपन कुछ तो करेंगे। तो वो सर ने बोले अरे वाह अब तक के तू तो मना करती थी, अब सुन लेगा मेरे अलावा है कोई यार। तो जब वो ऐसे ऐसे अंदर हाथ डाले ये वो ऐसे छेड़े तो ज्यादा मस्ती के जुड़े। मैं तो अपनी लाइफ में मेरी लाइफ में ना ऐसा मस्ती के मैंने बहुत इतना सुकून लगता है। तेरे को भी करना चाहिए था तेरे दोस्त के साथ, क्या बताओ। मैं उसके करीब तो जा रही थी ना, लेकिन उसका वो मुझे भाव ही नहीं दे रहा था। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद तो करती थी, लेकिन क्या बताओ कभी मेरी तरफ वैसा देखा ही नहीं। करने का तो बहुत ज्यादा मेरा भी मन था, कौन सी ऐसी लड़की होगी जिसका मन नहीं करेगा करने का, तू ही बता। हाँ तू तो इतना एंजॉय कर ली, मुझे तो कॉलेज में मौका भी नहीं मिला। जिसके पीछे मैं पागल थी वो तो बेचारा मुझे भाव भी नहीं दिया, मैं क्या कर सकती थी, आपको नहीं पता। अरे तुझे पता है मेरे को जो सर के अलावा भी एक जने ना, वो भी मुझसे प्यार करता था हाँ, लेकिन मैंने उसको मना कर दी क्योंकि मुझे सर का प्यार इतना मजा आया, मुझे अब किसी का प्यार नहीं। मुझे मतलब मैं जब वॉशरूम में जाती हूँ ना तो मेरा प्रोफेसर सर क्या बोलते हैं मालूम, देखो इतना मस्ती कर रही है, वो भी अभी तक मस्ती कर रही है यार, मुझे तो पता ही नहीं था। और मैं देखो शादी वादी करके मैं तो बैठ गई, मेरा बॉयफ्रेंड का तो पता ही नहीं कब तक कहाँ चला गया। हाँ चला गया। अरे यार तू तो कॉन्टेक्ट करने के लिए भी सोचेगी ना, वो वहाँ जाएंगे तो जब बात होगा तब तो मैं बुलाऊंगी ना इसको। तेरे पास फोन नंबर भी नहीं है उसका? नंबर तू एक काम करना, उसका नंबर कहीं से पता करना और तू सेटिंग वेटिंग लगाना मेरी भी यार, कैसे फ्रेंड है तू भी। यार हमेशा मुझे ही करना पड़ता है तेरे लिए, तो कौन करेगा, तेरे सिवा और कोई है क्या मेरा यहाँ पे। साथ आएगा वो तेरे साथ कहा, टेंशन मत। मेरे सर वाली फीलिंग दूंगी तुझे। आजकल तो सब कुछ है ना। हाँ तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना हो गया ना, कुछ भी आवाज आ सकता है। कॉलेज की कोशिश करेंगी। हाँ चल ना, फिर हम लोग चलते ना कॉलेज में। एक दिन ट्राई करते हैं अलग वाला है। ऐसा तू पूरी पागल हो गई है, कुछ भी करती है, कुछ भी बोलती है, मुझे पागल बना दिया तुझे पता है। और अब मुझे आके पागल बना रही है तू। हाँ आजकल तू थोड़ी पागल हो गई बेटा, और पागल हो जाएगी, पागल हो जाएगी। अरे बस कर बस कर बस यार, मेरी कुछ और पागल हो जाएगी, कोशिश तो करने। अरे यार तेरे को नहीं पता यार, जब होता है ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसको फील किया है पता है तुझे, एक वक्त में ये सब चीज़ों से डरती थी, लेकिन आज जो फीलिंग होती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतना अच्छा लगता है ना कि पता नहीं मैं इस चीज़ से निकल नहीं पाती। तो तेरे सर पे चढ़ गया है बुद्धू, निकल नहीं रहा है निकल। अरे कभी कभी अकेले में बैठे रहती हूँ ना तो मुझे वो सर की याद आती है। पहले तो मैं उसको बुलाती हूँ अपने पास, फिर वो फीलिंग वीलिंग जगती है हम लोग की है ना, और वो सब लम्बे जो रहते हैं ना वो बहुत याद आते हैं, इतने याद आते हैं ना पता नहीं मैं ऐसे करके पागल जैसे करती, मुझे खुद नहीं समझ में आता। तो फिर चली जाना, अभी भी तो इंतजार कर ही रहा होगा तेरा। अरे मैं तो जब जाओ तब इंतजार करेगा, मैं तो उसके बाद अभी भागू तो अभी भाग जाएगा। अभी आ जाएगा, इतना टाइम क्यों वेस्ट करी इधर बैठ के। मैं मुझे पका रही है सच में, उधर जाके पकाना अपने वो प्रोफेसर को। अरे वो पकने जैसा नहीं, वो भूत पकाते हैं, भूत पकाते हैं।